जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग की कचड़ों में लगभग 3 दिन से कचड़ों का अंबार जमा है, जैसा कि आप मेरे बगल में देख सकते हैं, पूरा कचरा जमा हुआ है। 3 दिनों से ना कचड़े वाला गाड़ी आपके घर में आ रहा है, आपके मोहल्ले में आ रहा है, और ना ही रात में स्वीपिंग का काम हो रहा है। कारण ये है कि नगर निगम वाले हड़ताल में हैं। हड़ताल का कारण जानेंगे कल, लेकिन अभी जो स्थिति है आपको दिखाते हैं शहर में कहाँ कहाँ पे कचड़ा फेंका हुआ है, जो अव्यवस्थित है, लोग परेशान हैं। यहाँ आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, इनका दुकान है, दुकान के जस्ट सामने जो कचरा है। तो ये जो कचरा आपके सामने दिख रहा है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है? हाँ, अभी तो क्या बोलते हैं, कुछ हड़ताल वगैरह चल रहा है। हाँ। तो अभी 3-4 दिन से ऐसे ही फेंका हुआ है, और कोई नहीं आ रहा है? ना, कोई नहीं आ रहा। और ये हड़ताल से मतलब नहीं भी रहने पर भी कचरा ऐसे ही फेंका रहता है। नहीं भी रहने पे तो क्या फायदा, हड़ताल रहे चाहे नहीं रहे, कोई फायदा ही नहीं है। टाउन का बीच में इसके वजह से इतना पॉल्यूशन होता है कि आपको क्या बताया, आना जाना मुश्किल है, लेकिन घर यहीं पे है तो बिल्कुल। तो देखिए, ये जो कचरा है, यहाँ पे गाड़ी आती है लेकिन उठाती नहीं है, क्या कारण? ये बोल रहे हैं कि हड़ताल के बाद भी नहीं उठाया जाता है, जबकि लोग यहाँ पे बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं। चलिए हम लोग शहर के और भी इलाके जाएंगे और देखेंगे कि स्थिति क्या है, क्या चौक चौराहे की क्या हालात है, वो आपको हम लोग दिखाएंगे। चलिए, आपको अभी एक चौक दिखाया था झंडा चौक के जस्ट बगल में, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दूसरे चौक में, देखते हैं कि बाकी सब चौक का की हालत क्या है, क्योंकि 3 दिनों से अगर कचरा नहीं उठाया जा रहा है तो स्थिति बहुत ख़राब है। लोग कह रहे हैं, हमें फ़ोन भी किया जा रहा है, लोग फ़ोन करके बता रहे हैं कि कचड़े वाला गाड़ी जो है वो आ नहीं रहा है, तो वो लोग परेशान हैं। कूड़ा आखिर फेंके तो कहाँ फेंके, कुछ लोग तो घरों में ही कचरा जमा किए हुए हैं, लेकिन जो लोग फेंक रहे हैं तो वो सड़क पर कचरा जम जा रहा है। होता क्या है कि रात में कचरा गाड़ी आता है और जगह जगह चौक चौराहे से, हाँ यहाँ से लेफ्ट, अच्छा सीधे चलोगे, चलो। तो हम लोग अभी बढ़ रहे हैं बंसीलाल चौक के एरिया में, देखिए इसी एरिया में, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ो। हाँ, आप देखिए कैमरे में आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक स्पॉट मिला हमें जहाँ पे पूरा कचरा जमा है, यहाँ कोई उठाने वाला नहीं है, देखिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और बाकी घरों के बाहर भी लोगों का छोटा मोटा कचरा इसलिए फेंका हुआ दिख रहा है क्योंकि कचरा वाला गाड़ी उठा नहीं रहा है। देखिए, 3 दिन का कचरा अब घरों के बाहर जो है वो जमा हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए चौक आया है, एक चौक देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी कचरा नहीं उठाया जा रहा है। बाकी जहाँ जहाँ पे लोग खुद से अगर साफ रख रहे हैं तो वो जगह साफ है, लेकिन जहाँ पे कचड़े वाला गाड़ी स्पेशली आता है, नगर निगम के सफाई कर्मी आते हैं रात में, झाड़ू लगाते हैं, कचड़ा उठा कर ले जाते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, जिसके वजह से शहर की हालत 3 दिनों से बहुत ख़राब है। देखिए पोल के नीचे यहाँ पे कचड़ा आपको दिख जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं हजारीबाग से बंसीलाल चौक जाने वाला जगह। देखिए यहाँ पे कचड़े का गाड़ी जो है यहाँ से आता है, उठा के ले जाता है। लेफ्ट चलो, देखिए यहाँ पे दुकान के सामने आपको चापाकल है, और चापाकल के जस्ट बाहर यहाँ पे देखिए कचरा यहाँ से नहीं उठाया गया है। हाँ चलो, यहाँ पे देखो, दिखाओ चौक है। हाँ, राइट ले लो। तो हम लोग अभी बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। अब हमारे स्कूटी की लाइट से आगे देख सकते हैं सड़क,
तो कहीं कहीं पे काम लगा हुआ है, नालियां बन रही हैं हजारीबाग में, वो भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे गड़ी खाना एरिया में, और देखिए ये जगह जो है, ये स्पॉट है, यहाँ पे कचरा हमेशा जमा होता है। मैं बोलूँगा थोड़ा धीमे करें, और यहाँ पे बदबू भी बहुत आता है। और ये मेन जगह है जहाँ से लोग बस स्टैंड के लिए जाते हैं, झंडा चौक के लिए जाते हैं, गड़ी खाना के जस्ट अपोजिट में ये जगह है, और ये जगह लगभग हमेशा गंदा रहता है। आज ये देखिए वाटर एटीएम है, और वाटर एटीएम के बगल में ये देखिए ट्रांसफार्मर के बगल में पूरा कचरा फेंका हुआ है। ये देखिए बस स्टैंड हम लोग पहुंच गए हैं, और बस स्टैंड के बाहर आगे चलो, हाँ यहाँ पे ये बस स्टैंड के बाहर राइट साइड में कुछ कचरा यहाँ पे फेंका रहता है, वो आप देख सकते हैं। चलो आगे, तो कुछ स्पॉट है यहाँ पे, देखिए आगे सोहराई का पेंटिंग है, लेकिन उसके बगल में पूरा कचरा फेंका रहता है। ये हम लोग आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट मोड़ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग चलेंगे मटवारी गांधी मैदान के पास। चलो आगे, और यहाँ पे देखिए बस स्टैंड के बगल में यहाँ पे स्टेशन क्लब है, और क्लब के बाहर देखिए किस तरह से कचरा फेंका हुआ है। हम लोग पहुँच गए हैं कैनरी हिल के पास, और यहाँ से आगे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मोड़ आएगा। चलो आगे गांधी मैदान तरफ चलो, वहीं पे दिखाते हैं, लोग बहुत गांधी मैदान से फ़ोन कर रहे हैं। गांधी मैदान से इतना फ़ोन आया है कि गांधी मैदान के जस्ट सामने सम्राट होटल कोई होटल है, उसके बाहर इतना कचरा फेंका हुआ है कि लोग वहाँ सुबह में जॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं, और बदबू बहुत ज़्यादा मार रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए कचरा, ये हाई कोर्ट हजारीबाग कोर्ट का दीवार है, और जो दीवार में सोराई पेंट लगा हुआ है, लेकिन उसके नीचे जो आप कचरा है वो देख सकते हैं किस तरह का कचरा फेंका हुआ है। आगे चले, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मोड़ हम लोग पहुँचने वाले हैं, और डिस्ट्रिक्ट मोड़ से और भी जगह जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से सड़कों पे कहीं कहीं पे कचरा फेंका रहता है, और साफ़ सफाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो बहुत दिनों से कचरा फेंका रहता है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं होता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदबू होती है, उन सब जगहों को साफ़ करने की ज़रूरत है, तभी अपना शहर साफ रह पाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं डिस्ट्रिक्ट मोड़, यहाँ पे आरोग्यम अस्पताल है, और यहाँ से राइट लेंगे। हम लोग अच्छा यहाँ पे, यहाँ भी कचरा है, आपको डिस्ट्रिक्ट मोड़ से आगे थोड़ा कचरा दिख जाएगा। चलिए, तो हर चौक चौराहे पे लगभग एक जगह बनी हुई है जहाँ पे लोग कचरा फेंक देते हैं, और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है।
तो ज़रूरत है ऐसी जगह को साफ रखने की। अभी हम लोग जेवियर स्कूल क्रॉस कर रहे हैं, बाईं ओर मेरे सेंट जेवियर स्कूल है और स्कूल के आसपास का एरिया तो साफ रहता है क्योंकि खुद वहाँ के स्टाफ जो हैं वो लोग साफ सफाई करवाते हैं। आगे पीटीसी चौक हम लोग पहुँच रहे हैं और ये एरिया ठीक है, मतलब आप अगर डिस्ट्रिक्ट मोड़ से पीटीसी चौक तक जाएंगे, आगे गांधी मैदान तक भी जाएंगे तो एरिया साफ सुथरा रहता है और क्योंकि ज़्यादा आबादी नहीं है इस एरिया में, ज़्यादा संस्थान हैं तो कचड़े फेंकने का उतना स्पेस नहीं रहता है, लेकिन जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, संस्थान नहीं है, उस एरिया में कचड़े बहुत ज़्यादा है। मोहल्ले टोले में हम लोग जाएंगे दिखाएंगे तो कचड़ा बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग आपको शहर का ही सिर्फ रोड दिखा रहे हैं, लेकिन जब मोहल्ले टोले में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा किस तरह से जब कचड़े वाला नहीं आता है तो कितना प्रभाव पड़ता है, और वो घर क्योंकि घर का लोग जो कचरा है वो कहाँ फेंके आखिर। शहर का लोग तो खैर एक चौक पे ला के जमा कर देते हैं तो उनके घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन आखिर चौक तो गंदा हो ही जाता है। तो बस अब हम लोग गांधी मैदान पहुँचने वाले हैं और वो स्पॉट पहुँचने वाले हैं जहाँ से लोग हमें कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है और साफ़ सफाई नहीं है, कचरा काफ़ी दिनों से है जो उठाने वाला नहीं है कोई, जिसके वजह से बदबू बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये जब आप पीटीसी से गांधी मैदान की तरफ आएंगे तो होटल बहुत ज़्यादा है, चकाचौंध है, बड़े बड़े होटल हैं, होटल विनायक है और रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े। तो ये एरिया तो 10 सालों में काफ़ी कुछ डेवलप किया है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो है जैसे साफ़ सफाई हो गया और भी चीज़ें हैं उन पर थोड़ा फोकस रहता तो वो थोड़ा और बेहतर होता। इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करके अपने शहर को साफ बनाया जाता है, स्वच्छ बनाया जाता है, तो क्लीनलीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे फोकस करना चाहिए। हम लोग पहुंच गए हैं मटवारी गांधी मैदान और गांधी मैदान के जस्ट अपोजिट जो हम लोग बता रहे थे वो जगह जहाँ पे कचरा सबसे ज़्यादा है, मटवारी चौक के पास सम्राट होटल। हाँ, लोग कह रहे हैं कि सम्राट होटल, बहुत लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सम्राट होटल के पास आप आइए और देखिए कि बदबू बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बस पहुंच गए हैं सम्राट होटल पे और वहाँ पे देखेंगे कि बदबू। देखिए एक तरफ तो यहाँ पे लोग खाने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं, जो चौपाटी टाइप का माहौल है। हाँ, लेकिन देखिए ये जो एरिया है ये जो एरिया है सम्राट होटल का, तो ये जो एरिया है सम्राट होटल का, देखिए मैडम एक्सक्यूज़ मी मैम ये देखिए ये जो लोग हैं वो मुंह में नाक में हाथ लगाकर दुपट्टा लगाकर क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बदबू महकने वाला जगह है ये, और ये हज़ारीबाग का सबसे पॉश एरिया। तो स्ट्रेच देखिए लगभग 40 से 50 मीटर का जो ये स्ट्रेच है इसमें लिखा हुआ है, आप बोर्ड देखिए यहाँ पे, उन्नत सोच शुद्ध विचार स्वच्छ सड़क विकसित भारत, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के नीचे फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये लगता है कि पूरा मटवारी का कचरा यहीं पे जमा है। आप देखिए किस तरह से गंदा पानी है, कचरा है और बदबू बहुत ज़्यादा महक रहा है। तो इसीलिए आप इधर से अगर गुजरेंगे तो दुपट्टा लेके ज़रूर गुजरें, अपना तौलिया लेके ज़रूर गुजरें, गमछा लेके ज़रूर गुजरें, नहीं तो आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो ये देखिए ये जो स्ट्रेच है लगभग 40 से 50 मीटर का, ये जो स्ट्रेच है आप देखिए हम लोग पैदल आ गए हैं, 40 से 50 मीटर का स्ट्रेच जो है यहाँ से पूरा गंदगी है। तो ये देखिए जो सम्राट होटल के बगल में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे बदबू इतना ज़्यादा है कि हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। अब सोचिए जो लोग क्रॉस करते हैं यहाँ से कैसे क्रॉस करेंगे। और इसके जस्ट बाहर बगल में, इसके जस्ट बगल में जो है लोग खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और जूही चौपाटी जैसा माहौल रहता है, लेकिन यही जो होटल है यहाँ से लगभग 50 मीटर का स्ट्रेच गांधी मैदान के जस्ट सामने सम्राट होटल के बगल में ये जो पूरा कचरे का अंबार है, लगता है कि पूरा मटवारी ये कचरा यहीं पे फेंका गया है और बदबू बहुत ज़्यादा है। तो आप खड़े नहीं रह पाएंगे, ज़्यादातर हम लोग भी नहीं खड़े रह पाएंगे, बस दिखा दिया आपको, हम लोग वापस जा रहे हैं। और तो यही कहने का मतलब ये है कि देखिए बगल में लोग खा रहे हैं और
मतलब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग खाने का लुत्फ उठाते हैं, शाम में काफ़ी भीड़ होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट में कचरा इतना ज़्यादा है कि आप दो मिनट यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो सोचिए किस तरह का यहाँ पे माहौल बन गया है मटवारी में, गांधी मैदान के सामने इतना ज़्यादा कचरा, इतना ज़्यादा बदबू शहर के बीचों बीच, और इसके अपोजिट में इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। तो आज हम लोगों का आने का मकसद यही था कि लोग हमें बहुत कॉल कर रहे थे, बहुत मैसेज कर रहे थे कि गांधी मैदान में जो है कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा कचरा हो गया है गांधी मैदान के सामने कि वो लोग चल नहीं रहे हैं। लोग सुबह सुबह गांधी मैदान में जॉगिंग करने के लिए आते हैं। तो एक मुद्दा और है गांधी मैदान का जो लोग हमें कह रहे हैं बार बार, लोग बोतल फेंक देते हैं, कांच का बोतल फेंक देते हैं, कचरा फेंकते हैं सुबह में जब लोग जॉगिंग करने जाते हैं। तो सुबह में तो हम लोग आ नहीं पाए गांधी मैदान, लेकिन आके वो भी देखेंगे कि कैसे लोग जॉगिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि घर मटवारी है, गांधी मैदान बगल में है, लेकिन उन्हें हजारीबाग झील जाना पड़ता है जॉगिंग करने के लिए। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब पैदल चलना दुश्वार हो गया है उनका, क्योंकि सम्राट होटल के सामने जो कचरा है वो 50-100 मीटर का, वो बहुत जीना हराम कर दिया है, पैदल गुजरना यहाँ से मुश्किल हो गया है। तो आज हम लोगों का स्पेशल प्रोग्राम जो था हजारीबाग में चौक चौराहे पर जो कचरा होता है उसको लेकर था, और उसी को हम लोग दिखा रहे थे कि क्या मतलब इतना ज़्यादा कचरा शहर में जो आया है कैसे इसको साफ किया जाए। हजारीबाग